हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि 2023 में जो क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम हुआ है सीबीएसई में, सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब चूंकि क्वेश्चन इंग्लिश में है तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आपको क्या फाइंड करना है। इसका मतलब है माध्य निकालना है आपको, और इसका मतलब है माध्यक निकालना है। तो टेबल आपको दे रखे हैं, आपको माध्यक और माध्य निकालना है। तो पहले मैं माध्य निकाल कर दिखाता हूँ आपको। क्लास में मैंने बताया है ये जो अंतराल दे रखे हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं इसको, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और ये होती है फ्रीक्वेंसी, लिखा भी हुआ है, और हिंदी में कहते हैं इसको बारंबारता। तो अगर आपको माध्य निकालना है तो उसके लिए इसको F को नाम दे दो, एफ आई, और इसके बगल में क्या निकालोगे आप, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, कैसे बताया था कि पहले इन दोनों को जोड़ो और जो आंसर आया उसका आधा कर दो। तो 0 में 10 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 का आधा कितना होता है 5। 10 में 20 को जोड़ो, आंसर आ गया 30, और 30 का आधा कर दो कितना आ गया 15। 20 में 30 जोड़ो, आंसर आ गया 50, उसका आधा कर दो कितना हो गया 25। और इसी पैटर्न को आगे फॉलो करो, ये 35 होगा, 45, ये 55, ये 65 और ये 75। अब आपको पता है कि क्लास में जो मैंने माध्यक निकालने का तरीका सिखाया था वही वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करके देखेंगे। इसके बाद आपको पता है यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ गया 35। अब 14 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210। अब हम क्या करेंगे, 13 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 325। अब हम 12 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 420। फिर 20 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 900। अब इसके बाद हम 11 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 605। और अब हम क्या करेंगे, 15 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 975। अब हम 8 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 600। ठीक हो गया। तो क्लास में जो मेथड बताया अभी सिर्फ उसी मेथड से हम करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको पता है कि इन सबको आप जोड़ोगे, ये जितना दिख रहा है इन सबको आपको जोड़ना है, और जोड़ के जो आंसर आएगा उसका नाम क्या होता है, क्लास में क्या बताया था, एफ आई एक्स आई, है ना। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ गया 4070। इसी तरीके से ये जो एफ आई है आप इसको भी जोड़ोगे, और जोड़ने पे जो आंसर आएगा उसका नाम क्या होता है, समीशन एफ आई। आप खुद जोड़ के देखो इन सबको तो ये आ जाएगा 100। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर माध्य निकालना है, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई। अब ये हमारे पास कितना आया है 4070, ये हमारे पास कितना है 100। एक तो कट गया, तो 407 को 10 से डिवाइड करोगे तो 40.7 आ गया। तो ये तो हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, माध्य। अब हम निकालेंगे माध्यक। तो अब हम निकालेंगे माध्यक। तो मैंने वापस फिर से क्लास इंटरवल सी आई और एफ को दोबारा लिख लिया है, और आपको पता है जब हमें माध्यक निकालना होता है तो माध्यक निकालने के लिए हम एफ के बगल में क्या निकालते हैं, सी एफ। और सी एफ कैसे निकालते हैं, ये जो 7 का 7 यहां उतार दो, 7 में 14 ऐड करके यहां पर लिखोगे तो ये 21 आएगा। 21 में आप 13 ऐड करके देखो तो ये 34 आएगा। 34 में 12 ऐड करो तो ये 46 आएगा। 46 में 20 ऐड करो 66 आएगा। 66 में 11 ऐड करो 77 आएगा। 77 में 15 ऐड करो 92 आएगा, और 92 में 8 ऐड करो तो कितना आएगा 100। ये समझ में आ गया होगा। अब
ये जितना भी एफ है ना, इन सबको जोड़ो तो नीचे आपके पास कितना आ रहा है, 100। अब ये जो एफ को जोड़कर आता है यहां पर माध्यक में, इसको हम क्या बोलते हैं, एन। एन कितना हो गया, 100। और फिर इसका आधा भी निकालेंगे, आधे को n/2 बोलते हैं, जो कि कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर, 50। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो 50 है आपको देखना है कि CF में 50 किसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में, 46 और 66 के बीच में आता है कौन, 50। तो ये जो आधा आप करते हो n/2, जो कि 50 आया है, तो आपको ढूंढना होता है CF में किसके बीच में आ रहा है, वो 46 और 66 के बीच में आ रहा है। अब इसमें जो छोटा होता है 46, इसको तो नाम दे दोगे आप CF, तो हमारे पास CF कितना हो गया, 46। और ये जो बड़ा होता है 66, इस बड़े वाले के सामने वाला, इसको कहते हैं हम F, तो हमारे पास F कितना हो गया, 20। और इसके सामने आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है, वर्ग अंतराल, ठीक है, तो इस वर्ग अंतराल को ही हम माध्यक का वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है। माध्यक का वर्ग अंतराल होता है ये, वर्ग अंतराल कितना है ये, 40 से 50। इसमें जो छोटा होता है इसको नाम दे देते हैं हम L, ठीक हो गया। और इन दोनों को माइनस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं H, ठीक है। ये जो छोटा वाला है इसको क्या बोलेंगे, L, और इसमें से इसको माइनस करेंगे उसको क्या बोलेंगे, H। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर सब चीजें निकाल ली हैं। अब माध्यक का फॉर्मूला हमें लगाना है। अब माध्यक का फॉर्मूला हमारे पास होता है L+(n/2-CF)/F, ये पूरा एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई H। सबसे पहले L कितना है हमारे पास, 40। n/2 कितना है हमारे पास, 50। CF हमारे पास कितना है, 46। F हमारे पास कितना है, 20। और H हमारे पास कितना है, 10। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया 40+50, में से 46 माइनस किया तो ये 4 आ गया, नीचे 20 और ये 10, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 40+4/2, तो 2 1 2 2 2 4, 40 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 42। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन में माध्य और माध्यक को आसानी से निकाल लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।